नमस्कार बच्चों, अपना जो लेसन चल रहा है एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, उसमें अपना टॉपिक चल रहा है ख्याति का मूल्यांकन, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो इसकी अपने दूसरी विधि कर रहे थे, अधिलाभ विधि, सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड या अधिलाभ विधि, इसकी हमने दो विधियां कर ली थी। एक अधिलाभों के क्रय के आधार पर, नंबर दो थी वार्षिक वृद्धि विधि। अब इसकी तीसरी विधि है अधिलाभों की पूंजीकरण विधि। अधिलाभों की पूंजीकरण विधि। अब अधिलाभों की पूंजीकरण विधि से जब ख्याति का मूल्य निकालते हैं तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? अधिलाभ इनटू शो बटे में प्रत्यय दर। अधिलाभ इनटू शो बटे प्रत्यय दर। अब अधिलाभ इनटू शो बटे प्रत्यय दर, अधिलाभ का कल मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, औसत लाभ माइनस में सामान्य लाभ, ऐसा करके अधिलाभ आ जाएगा। इसे 100 से तो क्या करना है, गुणा करना है और प्रत्यय दर से भाग देना है। ऐसा करके आपका अधिलाभों की पूंजीकरण विधि से ख्याति का मूल्य आ जाएगा। तो ये दो विधि हमने कल कर ली थी, आज इसको करेंगे अधिलाभों की पूंजीकरण विधि से ख्याति का मूल्य निकालना। तो सवाल को पहले देखो, एक उदाहरण इसका। सबसे पहले 4 वर्षों का लाभ दिया है हमें, पहले तो ये दे रखे हैं, फिर प्रॉफिट है पहले 28,000 का, फिर 26,000, 30,000 और 35,000, ये आपको प्रॉफिट दिया हुआ है 4 सालों का। उसके बाद आपको विनियोजित पूंजी दे रखी है, पूंजी बराबर 2,00,000, सामान्य प्रत्यय दर 10% वार्षिक, 10% वार्षिक। अब क्या करना आपको, अब सामान्य प्रत्यय दर 10% दे रखी है, विनियोजित पूंजी 2,00,000 दे रखी है और 4 साल का प्रॉफिट दे रखा है। अब करना क्या आपको, अधिलाभों की पूंजीकरण विधि से ख्याति का मूल्य निकालना है। तो सबसे पहले आपको अधिलाभ चाहिए और अधिलाभ का फॉर्मूला क्या होता है, अधिलाभ बराबर औसत लाभ माइनस में सामान्य लाभ। औसत लाभ माइनस में सामान्य लाभ, तो अधिलाभ निकालने के लिए औसत लाभों में से क्या करेंगे, सामान्य लाभ को घटा देंगे। जब औसत लाभ में से सामान्य लाभ को घटा दोगे तो आपका अधिलाभ आ जाएगा। अब पहले निकालना आपको औसत लाभ, तो सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि औसत लाभ है वो साधारण औसत लेंगे या फिर भारित औसत लाभ लेंगे। तो इसमें लाभ देखो, पहले घटा फिर बढ़ा फिर बढ़ा, तो इसमें सामान्य औसत लाभ लेना पड़ेगा, क्योंकि भारित औसत लाभ जब लेते हैं लाभ बढ़ते क्रम में हो, लेकिन यहाँ पर एक जगह क्या हो गया है, कम हो गया है।
तो पहले क्या निकालोगे आप, औसत लाभ निकालोगे। औसत लाभ चार वर्षों का लाभ दे रखा है, पहले 28,000, फिर 26,000, फिर 30,000 और फिर 35,000। बाग में क्या करेंगे, चार कर देंगे। बाग में क्या करोगे, चार, तो औसत लाभ बराबर 28,000, 26,000, 30,000 और 35,000। बाग में चार करोगे तो ये औसत लाभ आ जाएगा, तो 28 और 26 54, 54 और 30 84, 84 और 35 119, तो कितने हो गए, 119,000। अब बटे में क्या करना है आपको, चार करना है, 119,000 बटे में चार आ गया अपना, चार दूनी 8, 3 बचे 4 में 36, फिर 3 बचे 4 7 28, 29,750 कितना आएगा, 29,750। 4 2 8, 3 बचे 4 में 36, फिर 3 बचे 4 7 28, 2 बचे 4 5 20, 0 आ गया, 29,750 आ गया। अब क्या है, अपना औसत लाभ आ गया 29,750। अब आपको क्या करना है, सामान्य लाभ निकालना है, तो सामान्य लाभ का फॉर्मूला क्या होता है, विनियोजित पूंजी इनटू प्रत्यय दर बटे में 100। विनियोजित पूंजी इंटू प्रत्यय दर बटे में 100। अब इसमें विनियोजित पूंजी आपको कितनी दे रखी है, 200,000 दे रखी है, विनियोजित पूंजी दे रखी है 200,000। सामान्य प्रत्यय दर दे रखी है 10%, ये आपका 20,000 आ गया, तो सामान्य लाभ अपना कितना आ गया, 20,000, और औसत लाभ कितना आ गया अपना, 29,750। तो अधिलाभ निकालेंगे 29,750 में से क्या करोगे आप, सामान्य लाभ घटा दोगे 20,000 को, तो 29,750 में से 20,000 घटा दिए, 9,750 आ गया, कितना आ गया, 9,750, ये आपका अधिलाभ आ गया। अब आपको क्या करना है, अधिलाभों की पूंजीकरण विधि से ख्याति का मूल्य निकालना है, तो अधिलाभों की पूंजीकरण विधि से जब ख्याति का मूल्य निकालोगे तो अधिलाभ इंटू 100 बटे प्रत्यय दर करोगे, तो ख्याति होगी अपनी, ख्याति बराबर अधिलाभ हो गया 9,750 इंटू में 100 बटे में प्रत्यय दर 10, आ गया 97,500। तो सामान्य लाभ 20,000, औसत लाभ अपना 29,750, अधिलाभ आया 9,750 और ख्याति का इसका मूल्य क्या आएगा, 9,750 इंटू में 100 बटे प्रत्यय दर इंटू 100 कर दिया, प्रत्यय दर कितनी है 10 है, तो कितना आ गया, 97,500 आ गया। इस तरह से आपका ख्याति का मूल्य आ गया। अब इसी को अपने क्या करते हैं, औसत लाभों की पूंजीकरण विधि से करके देखते हैं। अभी औसत लाभों की पूंजीकरण विधि, औसत लाभों की पूंजीकरण विधि औसत लाभों की पूंजीकरण विधि से जब ख्याति का मूल्य निकालते हैं तो ख्याति का फॉर्मूला होता है, ख्याति बराबर औसत लाभों का औसत लाभों का पूंजीकरण मूल्य माइनस में विनियोजित पूंजी,
माइनस में विनियोजित पूंजी। तो औसत लाभों के पूंजीकरण मूल्य में से क्या करेंगे, विनियोजित पूंजी को घटा देंगे तो आपका खैती का मूल्य आएगा। अब पहले निकालो आप औसत लाभों का पूंजीकरण मूल्य। औसत लाभों का पूंजीकरण मूल्य, तो औसत लाभों का पूंजीकरण मूल्य का सूत्र क्या होता है, औसत लाभ इंटू 100 बटे में प्रत्यय दर। औसत लाभ कितने आए थे अपने 29,750 इंटू में 100 बटे में 10, तो आ गया 297,500। 297,500। अब ख्याति निकालने के लिए आपको करना क्या है, 297,500 माइनस में विनियोजित पूंजी अपनी इसमें कितनी थी, विनियोजित पूंजी अपनी थी 200,000, इसमें से 200,000 लेस कर दो तो कितना आ गया, 97,500 आ गया। तो देखो ख्याति बराबर अधिलाभों की क्रय के आधार, अधिलाभों की पूंजीकरण विधि से जब ख्याति का मूल्य निकाला तो ये अपनाया 97,500। औसत लाभों के पूंजीकरण मूल्य से जब अपने ख्याति का मूल्य निकाला तो ये भी आया 97,500। तो इससे क्या सिद्ध हुआ, इससे ये सिद्ध हो गया, ये प्रूफ हो गया कि जब आप अधिलाभों की पूंजीकरण विधि से और औसत लाभों की पूंजीकरण विधि से जब ख्याति का मूल्य निकालोगे तो वो मूल्य सदैव बराबर आएगा। दोनों विधियों में से किसी विधि का प्रयोग करो, ख्याति का मूल्य सदैव बराबर आता है। तो अधिलाभों, ये हो गया अपने अधिलाभों की तीनों विधियाँ, अधिलाभों के क्रय के आधार पे वार्षिक वृद्धि विधि और अधिलाभों की पूंजीकरण विधि। तो अधिलाभों की पूंजीकरण विधि से ख्याति का सूत्र हो गया अधिलाभ इंटू 100 बटे प्रत्यय दर। अधिलाभ का सूत्र होता है औसत माइनस में सामान्य लाभ। तो पहले औसत लाभ निकाला, औसत लाभ 4 वर्षों का जो लाभ था उसे ऐड करके 4 का भाग दे दिया तो अपना क्या आ गया, औसत लाभ 29,750 आ गया। फिर सामान्य लाभ, सामान्य लाभ का सूत्र होता है विनियोजित पूंजी इंटू प्रत्यय दर बटे 100। विनियोजित पूंजी कितनी है अपनी 200,000, जो अपनी दी थी क्वेश्चन के अंदर 10/100, तो 20,000 आपका सामान्य लाभ आ गया। तो सामान्य लाभ आपका आ गया 20,000, औसत लाभ आपका आ गया 29,750। 29,750 में से आपने 20,000 को लेस कर दिया, आपका कितना बचा, 9,750 बच गया अधिलाभ। अब आपको ख्याति का मूल्य निकालना, तो ख्याति का मूल्य निकालेंगे तो क्या सूत्र है ख्याति के लिए, इसमें अधिलाभ इंटू 100 बटे प्रत्यय दर, अधिलाभ आ गया 9,750 इंटू 100 बटे 10 किया तो 97,500 आ गया। तो अधिलाभ विधि से जब आपने ख्याति का मूल्य निकाला तो ये आ गया 97,500। अब औसत लाभों की पूंजीकरण विधि से निकालेंगे तो औसत लाभों का पूंजीकरण मूल्य निकालना पड़ेगा, उसका फॉर्मूला कल कराया था मैंने आपको। औसत लाभों का पूंजीकरण मूल्य से जब निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है औसत लाभ इंटू 100 बटे में प्रत्यय दर। तो औसत लाभ कितने निकाले हमने, 29,750 इंटू 100 बटे 10 किया तो ये कितना आ गया अपना, 297,500। उसमें से विनियोजित पूंजी को घटा दिया तो ये आपका ख्याति का मूल्य आ गया। ये हो गया अपने औसत लाभ और अधिलाभ दोनों विधियाँ होगी। अब एक दो इसमें देखो छोटी छोटी विधियाँ और होती है, कई बार क्या होता है कि ख्याति छिपी हुई होती है तो वो कैसे निकालते हैं छिपी हुई ख्याति। देखो कई बार ऐसा होता है कि जब न्यू पार्टनर एडमिशन लेता है उस टाइम जो पुराने पार्टनर होते हैं वो उसकी कैपिटल के अंदर जोड़कर ख्याति ले लेते हैं और उसकी कैपिटल में ही ख्याति वो छिपी होती है और हमें उसे देखना होता है कि फर्म की जो ख्याति है वो छिपी है वो कितनी है। तो छिपी हुई ख्याति निकालने का क्या तरीका होता है, यानी जिसे बोलते हैं अपनी गुप्त ख्याति या जिसको बोल दो छिपी हुई ख्याति या जिसको बोला जाता है इसमें हिडन गुडविल। हिडन गुडविल, गुप्त ख्याति या छिपी हुई ख्याति होती क्या है, जब न्यू पार्टनर फर्म में प्रवेश करेगा तो पुराने साझेदार नए साझेदार की पूंजी में जोड़कर ख्याति की राशि वसूल कर लेते हैं
और हमें उसके आधार पे फर्म की कुल ख्याति निकालनी पड़ती है। तो फर्म की कुल ख्याति निकालने का तरीका क्या होता है, ख्याति बराबर नए साझेदार की पूंजी के आधार पर फर्म की अनुमानित पूंजी माइनस में फर्म की कुल समायोजित पूंजी। नए साझेदार की पूंजी के आधार पर फर्म की अनुमानित पूंजी माइनस में फर्म की कुल समायोजित पूंजी, यानी नया साझेदार आया और वह पूंजी लाया, पहले अपने देखेंगे कि उसके आधार पे फर्म की कुल पूंजी अनुमानित कितनी हो चाहिए, फिर देखेंगे कि फर्म की कुल समायोजित पूंजी हुई कितनी है और इसमें से लेस कर देंगे तो फर्म की ख्याति का मूल्य आ जाएगा। क्या आएगा, फर्म की ख्याति का मूल्य आ जाएगा, जिसे अपने अभी एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो किसी फर्म में ए और बी दो साझेदार हैं जो लाभों को 3:2 में बांटते हैं। उन्होंने सी को 1/6 हिस्से के लिए प्रवेश दिया, सी को 1/6 हिस्से के लिए प्रवेश दिया। सी के प्रवेश के समय पूंजी है वो ए की है 40,000 और बी की है 50,000। एक की 40,000 और बी की कितनी है 50,000। उन्होंने सी को 20,000 पूंजी लेकर फर्म में प्रवेश दिया। उन्होंने सी को 20,000 की पूंजी लेकर फर्म में प्रवेश दिया। अब आपको फर्म की ख्याति का मूल्य निकालना है। तो इसमें देखो, आपको स्पष्ट ये नहीं दे रखा भी, आप औसत लाभ विधि का प्रयोग इसमें कर नहीं सकते, अधिलाभ विधि का प्रयोग कर नहीं सकते और कुछ भी नहीं आपके सामने कि आप ख्याति का मूल्य निकाल सको। तो आप क्या मानोगे, इसमें जो ख्याति है वो छिपी हुई है। ख्याति है वो कहाँ है, ख्याति है वो छिपी हुई है। तो आपको छिपी हुई ख्याति निकालनी है। तो छिपी हुई ख्याति निकालने का तरीका क्या है, पहले देखो नए साझेदार की पूंजी के आधार पे फर्म की अनुमानित पूंजी ज्ञात करें। तो इसे अनुमानित पूंजी ज्ञात करने का तरीका ये होता है, नया साझेदार इसमें सी है और सी का हिस्सा कितना है 1/6, कि उसे 1/6 लाभ दिया गया और उससे पूंजी के 20,000 ले लिए गए। तो यानी इससे अगर 1/6 हिस्सा दिया गया और उससे हमने 20,000 रुपये प्राप्त किए तो फर्म की फिर पूंजी कितनी होनी चाहिए। तो पहले क्या करना, आपको इस 20,000 को गुणा करना है इसके हिस्से को उल्टा करके इसलिए करते हैं कि जब छठे हिस्से के लिए पूंजी इतनी है तो फर्म का कुल लाभ तो हमेशा 1 माना जाता है, तो फर्म की कुल पूंजी इसके आधार पर कितनी होनी चाहिए। तो 1/6 की जगह क्या कर दोगे आप, 6/1 कर दोगे। तो 20,000 × 6/1 करके माइनस क्या करोगे, फर्म की कुल समायोजित पूंजी। तो फर्म की कुल समायोजित पूंजी का अर्थ है कि सारों की पूंजी जोड़ के देख लो कितनी होगी, 40,000 और 50,000 90,000, 90 और 20 110,000 कि टोटल पूंजी जोड़ के अगर हम इसे जोड़ लेते हैं तो फर्म की पूंजी है वो 110,000 हो जाती है। फर्म की पूंजी है वो 110,000 हो जाती है। तो 1/20 में ये ऐसे करो या ऐसे करो इसको कि 40,000 प्लस में 50,000 और प्लस में 20,000, इसे क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। ये आ गया 20 को इसे मल्टीप्लाई किया तो 1,20,000 आ गया। उसमें से फर्म की जो रियल पूंजी है समायोजित वो लेस कर देते हैं तो वो कितने अपने 1,10,000।
एक लाख दस हज़ार, एक बीस में से एक दस गया तो ख्याति का मूल्य कितना आ गया अपना, दस हज़ार आ गया। ख्याति का मूल्य कितना आ गया, दस हज़ार। लेकिन ये जो दस हज़ार ख्याति आई है ये किसकी ख्याति है, ये जो ख्याति है वो फर्म की ख्याति आ गई कि फर्म की जो कुल ख्याति है वो कितनी होगी, दस हज़ार रुपये आ गई। तो कैसे निकाला, पहले नए साझेदार की पूंजी के आधार पर कुल फर्म की अनुमानित पूंजी निकाली, फिर फर्म की कुल समायोजित पूंजी और घटा दी तो वो फर्म की ख्याति आ गई। तो ये क्या आ गई अपने दस हज़ार, ये गुप्त ख्याति थी जो छिपी हुई है इनके अंदर ही, वो हमने दस हज़ार रुपये गुप्त ख्याति के निकाले हैं। तो क्या सूत्र हुआ इसमें, नए साझेदार की पूंजी के आधार पर फर्म की कुल अनुमानित पूंजी, उसमें से क्या कर दिया, फर्म की कुल समायोजित पूंजी को हमने लेस कर दिया। तो नए साझेदार की पूंजी निकाल के आधार पर फर्म की पूंजी निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, नया साझेदार पूंजी कितनी लेकर आया, 20,000, और उसका हिस्सा कितना, 1/6, उसका हिस्सा 1/6 हो गया। तो पहले क्या करेंगे, नए साझेदार की पूंजी को नए साझेदार के हिस्से से उल्टा करके गुणा करेंगे, तो 20,000 को कितने से गुणा करेंगे, 6/1 से, तो कितना आ गया, 1,20,000। उसमें से क्या करेंगे, फर्म की कुल समायोजित पूंजी को लेस कर देंगे, तो फर्म की कुल समायोजित पूंजी कितनी है, सबको जोड़ लो, तो जोड़ी तो वो 1,10 आ गई। कि इसका मतलब होनी है कि 20 चाहिए, है 1,10 ही, इसका मतलब 10,000 रुपये है वो ख्याति के हैं, तो गुप्त ख्याति आपकी 10,000 आ गई। कई बार ऐसा होता है कि इसी तरह का क्वेश्चन आता है, साथ में आपको रिजर्व या P&L का क्रेडिट शेष वगैरह दिए होते हैं, तो जब आप इनकी पूंजी निकालोगे तो पहले क्या करोगे, उस सामान्य संचय को या P&L के क्रेडिट शेष को इनके हिस्सों में जोड़ दोगे और उसके बाद फर्म की कुल पूंजी निकाली जाएगी। जैसे आप ऐसा ही कह दें कि राम और श्याम, राम और श्याम लाभों को 1:1 में बांटते हुए साझेदार है, यानी राम और श्याम है वो कैसे बांटते हुए साझेदार है, 1:1 में। उन्होंने मोहन को 1/3 हिस्से के लिए फर्म में प्रवेश दिया, उन्होंने मोहन को 1/3 हिस्से के लिए फर्म में प्रवेश दिया। अब 1/3 हिस्सा प्रवेश दिया है, अब उनकी पूंजी देखो, पूंजी दे रखी है 40,000 और 30,000, इनकी पूंजी कितनी दे रखी है, 40,000 और 30,000। मोहन को 1/3 हिस्सा देकर प्रवेश दिया और 1/3 हिस्से के लिए वह 50,000 रुपये पूंजी के लेकर आया है, 1/30 हिस्से के लिए, तीन हिस्से के लिए वो 50,000 रुपये पूंजी के लेकर आया। ख्याति का मूल्य ज्ञात कीजिए, अगर इतना हो जब तो पीछे के सवाल की तरह करेंगे, लेकिन मान लो इसमें कोई जन रिजर्व या P&L का शेष दे रखा हो तो सवाल थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। मान लेते हैं इसमें सामान्य संचय यानी जन रिजर्व दिया हुआ है, सामान्य संचय दे रखा है 10,000 का। अब सामान्य संचय 10,000 का दे रखा है, अब आपको करना क्या है कि इस में सबसे पहले जो सामान्य संचय होता है वो जो पुराने साझेदार होते हैं उनमें में पुराने अनुपात में बांट दिया जाता है, पुराने साझेदारों में पुराने अनुपात में बांट दिया जाता है, और पुराने साझेदार इसमें कौन है, राम और श्याम है। तो पहले क्या करेंगे, उसमें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो 10,000 को पुराने अनुपात में बांटेंगे राम और श्याम में, तो 5,000 इसके हो जाएंगे और 5,000 इसके हो जाएंगे, ये हो गए टोटल, इसकी पूंजी 45,000 मानी जाएगी और इसकी 35,000 मानी जाएगी। अब आपको क्या करना है, नए साझेदार की पूंजी के आधार पर पहले फर्म की कुल अनुमानित पूंजी निकालनी है, तो नए साझेदार की पूंजी के आधार पे जब फर्म की अनुमानित पूंजी निकाली तो नए साझेदार की पूंजी कितनी है, 50,000 इंटू में उल्टा करके गुणा किया तो 3/1 आ गया, 50,000 का 3/1 माइनस में फर्म की समायोजित पूंजी, तो फर्म की समायोजित पूंजी होगी 45,000 प्लस में 35,000 और प्लस में 50,000,
ये फर्म की समायोजित पूंजी होगी। अब नए 60,000 की पूंजी के आधार पे जो फर्म की पूंजी है वो कितनी होनी चाहिए, 150,000 माइनस में ये घटा देंगे 45,000 और 35,000 है वो कितने हो गए 80,000, 80 और 50 हो गए 130। तो 150 में से क्या करेंगे अपने 130,000 को लेस कर देंगे। तो 150 में से जब 130 को लेस कर दिया तो अपने पास बच गया 20,000। तो 20,000 आपकी छिपी हुई ख्याति आ गई। तो कहने का मीन क्या हुआ कि गुप्त ख्याति जब निकालते हैं और हमारे पास कोई सामान्य संचय या पीएनएल का कोई शेष वगैरह पड़ा हो तो पहले क्या करना है आपको, पहले उस शेष को पुराने साझेदारों में पुराने अनुपात में बांटना है और पुराने अनुपात में बांटने के बाद जो पूंजी आएगी वो उनकी रियल पूंजी मानी जाएगी, जिसे अपने क्या करेंगे जोड़ देंगे और उसे नए 60,000 की पूंजी के आधार पे जो पूंजी है उसमें से लेस कर देंगे। ऐसा करके क्या आएगी, ख्याति का मूल्य आएगा। तो दोबारा देखो कि राम श्याम और मोहन लाभों को कैसे बांटते हैं, 1:1 में उन्होंने मोहन को 1/3 हिस्से के लिए प्रवेश दिया, पूंजी उनकी कितनी है 40,000 30,000 है और मोहन से पूंजी वो 50,000 मंगाई गई है। सामान्य संचय अपना पड़ा है 10,000 और 10,000 जो पुराने साझेदारों में पुराने अनुपात में बांटेंगे तो पुराना अनुपात उनका इक्वल था, अब इक्वल था तो दोनों में बराबर बराबर बांट दिया 5,000 और 5,000, तो राम की पूंजी होगी 45,000, श्याम की होगी 35,000 और मोहन की कैपिटल है वो 50,000। तो पहले आपको निकालना है नए 60,000 की पूंजी के आधार पर फर्म की अनुमानित पूंजी जो कितनी आएगी, नए 60,000 की पूंजी 50,000 और जिसे कितने से गुना करेंगे 1/3 है तो कितने से करोगे 3/1 से, तो ये आएगा 1.5 लाख और फर्म की कुल समायोजित पूंजी इनको जोड़ देंगे तो कितनी आएगी, सबको जोड़ के देखा तो इसकी 45, इसकी 35 और उसकी 50, तो 45 35 और 50 आ गई। ऐसा करके कुल पूंजी होगी 1.5 लाख जिसमें से फर्म की कुल समायोजित पूंजी इनको जोड़ा तो घटाया 1/30 में से 1/30 घटा दी तो ख्याति का मूल्य 20,000 आ गया। तो ये होगी अपनी गुप्त ख्याति। अपनी देखो अब कितनी विधियाँ, एक विधि हो रही है जिसमें नॉर्मल जब नया व्यापार परचेज करते हैं तो नया व्यापार परचेज करते समय उसकी जो कुल संपत्तियाँ होती है उसमें से कुल दायित्व को घटाकर शुद्ध संपत्तियाँ ज्ञात करते हैं और उन शुद्ध संपत्तियों से जितने रुपये अपने ज़्यादा चुकाते हैं वो ख्याति का मूल्य देते हैं। तो उसका एग्जाम्पल अपने कल करेंगे, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।